बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब के? मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप सारे ठीक ठाक हो, जहाँ पे भी हूँ खुश हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ जहाँ है मेरी यूट्यूब फैमिली, हमेशा आबाद रहे, खुश रहे। मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ, मुझे उनकी दुआओं की बहुत जरूरत है। जो मेरे बहन भाई, हाँ आपको भी मेरी फैमिली के लिए दुआओं में आप हमें याद रखा करें। अच्छा जी, आज की वीडियो जैसे कि आपने झलकियों में इसके देख चुके होंगे कि कितनी स्पेशल वीडियो है। आज हम बेबी मुस्तफ़ा के बाद की वीडियो आपको दिखाएंगे कि एक बच्चे का बाद कितना इम्पोर्टेंट होता है, उसकी किस तरह से एक स्पेशल बात होता है बच्चे के लिए। मैंने एक दिन अपनी बहन को देखा बात देते हुए अपने बच्चे को, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की उनकी फैमिली से कि आप मेरे चैनल के लिए एक वीडियो बना दें प्लीज़, ताकि मैं दिखा सकूं कि बच्चों को किस तरह से आप बात देते हैं, उनकी टेक केयर कैसे की जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट्स में हम बेबी के फूड की और उसके स्पेशल मसाज की, इन सब के आपको वीडियोस देंगे। लेकिन आज देखते हैं बेबी मुस्तफ़ा कैसे बात ले रहे हैं। चलें जी, हम बेबी मुस्तफ़ा का बात देखते हैं चल के। मामा कुछ भूल गई? मैं क्या भूल गई? कोई बंदा स्पेशल है। मैं भूल गई, एक स्पेशल इंसान भी आएगा इस वीडियो में, वो है मेरी अम्मा। चलें जी देखते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और बेबी मुस्तफ़ा को बहुत अप्रिशिएट कीजिएगा। उसने आपके लिए बहुत मेहनत की है, टाइम दिया है, क्योंकि उसका प्रीशियस टाइम था, भूख भी लगी थी, लेकिन उसने आपको ज़बरदस्त टाइम दिया है कि आप खुल के वीडियो बनाएं। चले जी हम बेबी मुस्तफ़ा को देखते हैं। बेबी मुस्तफ़ा का बेड प्रिपेयर हो चुका है, जिस पे इनका मसाज होगा, और ये मसाज हम हल्का सा ही करेंगे क्योंकि बेबी मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा ठंड में भी हैं। ठंड है लेकिन ये है कि कमरे का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, तो हैप्पी हो रहे हैं बेबी मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा, बहुत हैप्पी हो रहे हैं। और क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं समझ आ रही। ये उठ के जाने की कोशिश कर रहे हैं लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उठ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने, मेरी बहन ने लाइट्स लगा दी ताकि ज़रा और अच्छी सी वीडियो बन जाए, लेकिन बेबी मुस्तफ़ा की कोशिश है कि वो जाके लाइट्स को भी पकड़ लें। अच्छा जी, आपका पहला बच्चा हो या आपके बहुत ज़्यादा बच्चे हों, हर बच्चा ही स्पेशल होता है और उसकी टेक केयर जो होती है वो स्पेशल तरीके से ही करनी चाहिए। अच्छा, मसाज के थोड़े से तो रूल्स आज हम बताते हैं आपको। अच्छा जी, बच्चों के मसाज के लिए ये है, जो भी ऑयल आप यूज़ करना चाहें वो ऑयल आप यूज़ करें, और बेबी ऑयल यूज़ करें, कोई भी ओलिव ऑयल से भी मसाज करते हैं तो आप अच्छे तरीके से उसको लटाएं, उसको इजी करें, रिलैक्स करें बेबी को, और आराम नरम हाथों से उसका मसाज करें और उसकी बॉडी के ऊपर की जानब उसे मसाज करें। इस तरह बच्चों के मसल्स बनते हैं, क्योंकि बच्चे ग्रो हो रहे होते हैं, इनकी बॉडी ग्रो हो रही होती है, तो इस तरह बच्चों को आप रिलैक्स करें, इजी करें, खेलने के लिए साथ कुछ दें, खेलते रहें। बेबी मुस्तफ़ा तो कोशिश कर रहे हैं अपना टॉवल से भी खेलें, हर चीज़ से खेलें। तो मसाज की हम आपको स्पेशल वीडियो भी दिखाएंगे आज, इसका बाद से पहले थोड़ा मसाज की जो वीडियो है वो हम दिखा रहे हैं।
बच्चों के कानों का मसाज ज़रूर करें, गर्दन के बैक हिस्से का मसाज ज़रूर करें, इससे बच्चों के मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बेबी के चेस्ट का बिल्कुल इस तरह मसाज करें कि उसका जो बाजू बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये मसाज आपको दिखाया जा रहा है, ताकि इनकी बाजू और चेस्ट बड़ी हो। आप कुछ बोलना चाहते हैं मोहम्मद इब्राहिम? नहीं, मुझे तो नहीं जरूरत अभी, वैसे मैं देख के रो मजा आ रहा है। बेबी मुस्वा हैप्पी हो रहे हैं। अच्छा, बच्चे के पेट का मसाज जो है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होती है, उनके बहुत ज़रूरत है, उनको राउंड शेप में मसाज करें। अच्छा, उसके अलावा आप ब्लैक राइजन जो छोटे छोटे से होते हैं, उनको रात को लेके भिगो लें और सुबह उसका पानी 2-3 ड्रॉप्स उनको पिलाएं, तो उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक हो जाती है। ये आजमुदा नुस्खा है। और बेबी मुस्तफ़ा को उनकी मामा दबा रही हैं, अच्छे तरीके से मसाज हो गया इनका। अच्छा जी, इन्होंने बच्चे की बॉडी को जिस तरह प्रेस किया है, ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे को रिलैक्स करें। बच्चे चूँकि टांगे शांगे मारते रहते हैं, वो थक जाते हैं, तो मसाज के बाद उनकी बॉडी को थोड़ा सा दबाएं, रिलैक्स करें। हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बेबी मुस्तफ़ा को, मुझे उम्मीद है आप सारे भी इंजॉय कर रहे होंगे। चैनल पर जो मेरे बहन भाई न्यू होंगे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत सी ऐसी वीडियोस देंगे जहाँ पे बच्चे का फूड है और इसके अलावा इनका स्पेशल मसाज है। अभी बेबी मुस्वा अपनी मामा के साथ हैप्पी हो रहे हैं और उनका बात का सिस्टम रेडी हो चुका है। बच्चों के प्ले के तरीके हैं, इन बच्चों को कौन सी एक्टिविटीज़ करानी चाहिए, जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ में ही आपको शेयर करेंगे। तो वो बात भी लेने लगे हैं। अच्छा, इन पे पानी डाला जा रहा है जो इनकी, ताकि बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर जाए, बेबी मानूस हो जाए पानी से। और वो बात लेते हुए चीखे चलाए नहीं। ये एक फिंगर ब्रश होती है जिसे बेबी टीथ साफ़ करते हैं, जिस तरह बेबी मुस्वा टीथ अपने साफ कर रहे हैं, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ होती है। मैंने तो कभी किसी बच्चे को इतना इजी से माशाल्लाह बात नहीं लेते देखा, तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई थी बेबी मुस्वा के बात से। जितने पुरसकून अंदाज में ये बात ले रहे हैं और साथ साथ खेल रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। ये वीडियो न्यू मदर्स के लिए काफी हेल्पफुल होगी। अच्छा, एक और चीज से मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ। ये एक कैप है, ये बड़ी जबरदस्त कैप है। बच्चे आंखों में सोप चला जाता है, शैम्पू या कोई चीज, तो वो बड़ा रोते हैं, चीखते चलाते हैं, और जो मदर्स हैं वो बड़ी स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं उस टाइम जब बच्चे को बात दे रहे होते हैं। तो ये मदर भी इजी है, बच्चा भी इजी है, तो आप इधर बच्चे के सर पे शैम्पू लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये बच्चा तो सुकून से बैठा हुआ है। और ये कैप मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इस कैप ने। आप बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो ईजी होके बात ले रहा है। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं लेकिन बड़ी हैंडी होती हैं।
अच्छा जी, इसके बाद बेबी मुस्तफ़ा रेडी हो जाएंगे और अच्छा ये नोज़ी से बड़ा प्यारा ड्रॉपर है, इससे ज़बरदस्त तरीके से बच्चे की नोज़ी क्लीन हो जाती है। जब भी बच्चे को बाथ दे लें, कोशिश करें कि उसकी बॉडी को ज़रूर मॉइस्चराइजिंग क्रीम से मॉइस्चराइज कर दें, क्योंकि ड्राई ना रहे। और उसके बाद बच्चों को खेलने का थोड़ा टाइम दें, फिर उनको फीड कराएं, तो बच्चे बड़े रिलैक्स होकर बहुत ज़्यादा देर सोते हैं। मैं बेबी मुस्तफ़ा की फ़ैमिली का स्पेशल थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे परमिशन दी है उसकी वीडियो के लिए। और मेरी भी दुआ है और मेरी YouTube फैमिली भी उनके लिए दुआ करे, इनके सब बच्चों को अल्लाह ज़िंदगी दें और सेहत, और इन पेरेंट्स को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। तो अभी हम अपनी अम्मा दिखाते हैं, फिर अम्मा से तफसील से भी आपको दिखाएंगे जब हम उनके पास जाएंगे। अभी हम थोड़ी सी अपनी अम्मा दिखा देते हैं आपको। तो ये हैं हमारी स्वीटू सी अम्मा। अभी बेबी मुस्तफ़ा के खेलने का भी टाइम हो गया है, अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा खेले हैं। चलें जी, इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।